जिस समय जिस लम्हों का आपको इंतजार था। भारत माता की जय। मैं भारत माता जय। पिताजी देशभक्तों के बीच में फदा चुके दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बिट्टा जी, आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी अध्यक्ष, ये कुछ से पीछे मत रखिए। जिंदगी तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। आदरणीय मेजर जनरल साहब, पीआईजी साहब, द्रविंदी जी, मेरे छोटे भाई, पूरे मध्य प्रदेश के एंटी टेरर फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल गुर्जर साहब, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, हमारे फ्रीडम फाइटर बुजुर्ग और मेरे साथियों, आज ग्वालियर की धरती पे आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा शहीदों को याद करने का, जिन्होंने भारत माता की आजादी दिलाने के लिए महान कुर्बानी दी। और कई वो देशभक्त हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों को भी सहा, अंग्रेजों की गोलियां भी सीने पे खाई, फांसी के रस्तों को चूमते हुए उन शूरवीर बहादुरों को देखा। और ऐसे जवान जो कारगिल का युद्ध और आजादी के बाद भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके परिवार भी यहां बैठे हैं। सवाल इस वक्त ये है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या भारत आजाद है? इन गोरे अंग्रेजों से भारत आजाद होगा, काले अंग्रेजों के हाथों में भारत आ जाएगा। उस वक्त गुलामी थी अंग्रेजों की, आज गुलामी है राजनीतिक लोगों की, जिसकी सरकार उसकी मर्जी से हर व्यक्ति को चलना होगा, उसकी मर्जी से हर सुरक्षा कर्मचारी को चलना होगा, उसकी मर्जी से हर गरीब को चलना होगा, नहीं तो आप अंदर नहीं रह सकते इस देश के अंदर। उस वक्त अंग्रेज जुर्म करते थे, आज राजनीतिक लोग जुर्म करते हैं। उस वक्त राजनीतिक लोगों की एक छोट थी, आजादी से पहले भी राजनीतिक लोग थे। आतंकवाद किसकी देन है? आतंकवाद पाकिस्तान की देन नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान हमारे मुकाबले में है क्या? एक छोटा सा मुल्क जो हमारे से निकला हुआ मुल्क, हमारी गलतियों से बना हुआ वो मुल्क, उसकी हिम्मत है? जहां रानी झांसी ने जन्म लिया हो, जहां शिवाजी महाराज ने जन्म लिया हो, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म लिया हो, जहां लाला लाजपत राय ने जन्म लिया हो, वहां से आके पाकिस्तान हमारे देश की तरफ देख जाए, उसकी हिम्मत नहीं है। आतंकवाद को जन्म देने वाले हम राजनीतिक लोग हैं। हम वोटों के खातर आतंकवाद को जन्म देते हैं, हम सपा के खातर आतंकवाद को जन्म देते हैं। हमें कुछ ही चाहिए, हमें सपा चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है। ये आज के हमारी राजनीतिक लोगों की सोच है। यह है कुर्बानियों का इतिहास। आजादी के बाद कौन राजनीतिक व्यक्ति आज कुर्बानी देना चाहता था? अभी हमारे भाई साहब बोले, खुल के बोले, कौन राजनीतिक व्यक्ति कुर्बानी देना चाहता है? रोज रात को सुना जाता है टीवी के अंदर, आज मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, आज अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, आज टोनी ब्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा, समझौता हो रहा है, तिरंगा झंडा पीछे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना, उस तिरंगे झंडे का हम लोग अपमान करते हैं और तिरंगे झंडे के आगे हाथ फैला के उनसे शपथ लेते हैं कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। कितना झूठ बोला जाता है, अफसर को फांसी दे नहीं सकते, आतंकवादियों में जेलों में बंद रखते हो, रिश्तेदार बना के और बातें करते हो दुनिया के सामने कि हम आतंकवादियों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। कितना झूठ बोला जाता है हिंदुस्तान के अंदर।
आतंकवादियों का जवाब क्या होना चाहिए, गोली का जवाब गोली, गोली मारो, आग लगाओ और बात में फिर बात भी करो, नहर में फेंको। भारत सरकार पॉलिटिकल पार्टी आतंकवाद को समाप्त करना चाहती है। हम सुबह उठ के पौड़ से भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। कौन ऐसा पौड़ है जो भगवान के मंदिर में गुरुद्वारे में मस्जिद में जाकर कहते हैं कि तेरे मंदिर का खतरा है, तेरे गुरुद्वारे का खतरा है, हमें शक्ति देना, हम भारत माता की आजादी की रक्षा कर सकें, तेरे संकट मोचन राम जन्मभूमि अक्षरधाम की मंदिर की रक्षा कर सकें। कोई पौड़ नहीं कहेगा, वो एक ही कहेगा भगवान कार्पोरेशन के इलेक्शन आगे मुझे टिकट दिलवा देना। वो कहता नहीं रोकते, फिर जाता है मंदिर में, भगवान अब जितवा भी देना तो चीज जाओ जाओ। फिर एमएलए की बारी आता है, भगवान आप मुझे एमएलए की दे दो, कहता वो भी ले लो। फिर कहता है जितना है कहना तुम जीत जाओ, फिर कहता है लूटपाट करने के लिए डिपार्टमेंट बढ़ के देना, कहते वो भी ले लो। जब भारत के ऊपर कोई मुसीबत आती है, मंदिर के ऊपर मुसीबत आती है, राम सेतु के ऊपर मुसीबत आती है, तो कहता राम का आपके साथ हमारा क्या वास्ता, आप उधर हम उधर, राम देने वाला राम को पहुंचाते हैं। जरूर मैं आपको बताऊं, अब राम जी के ऊपर राजनीति होती है। अगर एम एस बिट्टा या गुज्जर राम का नाम लेगा, कहेगा ये तो आरएसएस का है, ये तो फिरका प्रस्त है, ये तो बीजेपी का है, ये हालत होगी। फिर राम जी हमारे नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश करेंगे। आप भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए आने आगे आने की कोशिश करेंगे। हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ सबसे पहले भारत है। अगर हमारा भारत मजबूत है, हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सबसे बड़े, अगर हमारा भारत मजबूत ना रहा तो कुछ बचने वाला था। कौन सा आज मंदिर बचा बताओ? अक्षरधाम बचा, राम जन्मभूमि बची, संकट मोचन बचा, रघुनाथ मंदिर बचा, अजमेर शरीफ बचा, गोल्डन टेम्पल बचा। कौन सी ऐसा देश के हमारे देश के अंदर गुरुद्वारे मंदिर होंगे, शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची उसको साथ चढ़ाने आए हैं। दो लड़ाई लड़ने का अपना देश, हमारे लिए जवान लड़ेंगे आतंकवाद की लड़ाई, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए हमारा फौज का जवान, हमारे सुरक्षा का जवान अपने सीने पे गोलियां खाएगा। आपने सिर्फ एक लड़ाई लड़नी है, भैया एक मिनट चुप करना, आपने सिर्फ एक लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई है राजनीति की गिरावट के खिलाफ। वाह, तो मेरे भाइयों, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से बने हुए खून का टुकड़ा है, इसको संभाल के रखना।